Hi, good morning all. Welcome to e-learning session for Grade 10 SS Geography. We are studying Chapter 6. In this chapter, yesterday we discussed about pollution. So, industries ke saath hamesha you will find one associated problem, that is pollution. Industries have their own importance, significance, plus points, but the negative point in that your demerit will always remain pollution. That is the integral part. आप उसको या indispensable part बोल सकते हैं, अलग नहीं कर सकते, because the industries में during the production you will encounter all these problems. So yesterday we discussed about air pollution. Today we'll study about water pollution. So water pollution is caused by organic and inorganic material waste. Here we are. Water pollution is caused by organic and inorganic material, industrial waste and effluent discharged into rivers. तो सबसे बड़ा वाटर पोल्यूशन का कॉज हमारे कंट्री में यही है कि जो भी इंडस्ट्री से निकला हुआ वेस्ट है, ठीक, इंडस्ट्रियल वेस्ट, उसमें अनट्रीटेड, यहाँ पे एक और शब्द को यूज़ कर लेना चाहिए कि अनट्रीटेड इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स जो हैं, यूजुअली क्या होता है, आपने इससे पहले वाले सेशन में देखा था, देर इज समथिंग कॉल्ड टैनरीज, रिफाइनरीज, इन सारे इंडस्ट्रीज में या इवन आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में भी वाटर का एक्सेसिव यूज़ होता है. मींस या फिर आप अगर कंसिडर करें जूट इंडस्ट्री को, डाई इंडस्ट्री को, इन सब जगह पे वाटर का एक्सेसिव यूज़ है. तो वाटर में हम अलग अलग कंपोनेंट्स ऐड करते हैं प्रोसेसिंग के लिए, जैसे बॉक्साइट में आपने देखा कि हम मिला रहे हैं कॉस्टिक सोडा मिला रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें, पोटैश ऐड कर रहे हैं, बहुत सारे कंपोनेंट्स ऐड करते हैं. जैसे ही हमारा प्रोडक्ट निकल जाता है उसमें से, हम वी आर एबल टू एक्सट्रैक्ट डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, तो बचे हुए जो पानी है, मिक्सचर है जिसमें हमने अलग अलग चीज़ें मिलाई हैं, हम उसको अब वेस्ट बन गया, वो हमारे किसी काम के नहीं है. तो इंडस्ट्रीज़ क्या करती हैं, उनको डायरेक्टली डिस्चार्ज कर देती हैं. अब डिस्चार्ज करने के से पहले दे आर सपोज टू ट्रीट दिस इंडस्ट्रियल वेस्ट एफ्लुएंट, बट वही बात है फिर कि अगर इफ़ दे ट्रीट दिस इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट, दिस विल लीड टू ह्यूज कॉस्ट टू द इंडस्ट्रीज एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो डायरेक्टली व्हाट दे डू इज दे डिस्चार्ज इनटू रिवर्स एंड वाटर बॉडी, सीधा वाटर बॉडी में इंडस्ट्री से डिस्चार्ज कर देगा. तो ये उसके लिए सस्ता तरीका है. मेन कल्प्रिट इन दिस रिगार्ड आर पल्प, पेपर पल्प, केमिकल, टेक्सटाइल, डाइंग, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, टैनरीज, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री दैट लेट आउट डाइज, डिटर्जेंट, एसिड, सॉल्ट्स, हैवी मेटल्स लाइक लेड, मर्करी, pesticide, fertilizer, synthetic chemical with carbon, plastic, rubber into water bodies. तो ये सारी जितनी industries हैं, चाहे वो paper pulp की industry हो, chemical, textile, dyeing, petroleum refineries, tanneries, tanneries मतलब जहाँ leather बनता है, electroplating industries, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, अपने यहाँ से निकला हुआ ऐसा पानी जिसमें क्या क्या चीज़ें मिली हो सकती हैं, डाई हो सकता है, डिटर्जेंट्स हो सकते हैं, एसिड, सॉल्ट्स, हैवी मेटल जिसमें लेड, मर्करी, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, ये सारी चीज़ें जो पानी में घोल के उन्होंने प्रोसेस किया है, डिसॉल्व करके अपना प्रोडक्शन का प्रोसेस किया था, उसको सीधा वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर दे रहे हैं. अब जब आप वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करेंगे तो अल्टीमेटली व्हाट यू आर डूइंग इज यू आर कंटेमिनेटिंग द एंटायर वाटर बॉडी, चाहे रिवर हो, चाहे कोई लेक हो, तो आप उस पूरे वाटर बॉडी को कंटेमिनेट कर रहे हैं अपने इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट से. तो वहाँ ये सारी चीज़ें, चाहे लेड, मर्करी, फर्टिलाइज़र,
और बाकी जितनी चीज़ें हैं ये हमने अनडिज़ायर्ड प्रोडक्ट पड़े हैं जो पानी के साथ दो वाटर बॉडी में चले जाएंगे, ठीक। और ये वाटर बॉडीज़ हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, कई जगह वाटर बॉडीज़ से पानी को टैप करके इसको ड्रिंकिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकता है, या इसका सबसे खतरनाक चीज़ ये हो सकती है कि धीरे धीरे ये पानी हमारे ग्राउंड वाटर टेबल में रिसीड करने लगे, ठीक। आपने पढ़ा है कि वाटर परकोलेट्स फ्रॉम इट्स अपर सरफेस टू वाटर बॉडी धीरे धीरे, तो अगर ये किसी भी तरीके से हमारे ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंच गया तो ये उसको पूरी तरीके से कंटैमिनेट कर देगा, मतलब ये उस ग्राउंड वाटर टेबल में पहुंच जाएगा जिसे हम कंज्यूम करते हैं, ठीक। अगर ये कंज्यूम जो हम पानी कर रहे हैं ग्राउंड वाटर से निकाल के बोरिंग करते हैं, आप लोग के घर में बोरिंग होगा, बोरिंग से पानी आता है, उस पानी को हम लोग यूज़ करते हैं, अगर हमारे यूज़ करने वाले पानी में अगर ये कंटैमिनेटेड वाटर पहुंच जाए तो इट्स अ मैटर ऑफ कंसर्न, ठीक। फिर बोलते हैं फ्लाई ऐश, फॉस्फोर जिप्सम एंड स्टील एंड आयरन स्लैग्स आर मेजर सॉलिड वेस्ट। तो ये तीन चीज़ें हैं क्या क्या? फ्लाई ऐश, फ्लाई ऐश क्या होता है, जब भी कोल को जलाया जाता है, कोल को आप कभी बर्न करेंगे तो उसमें वाइट कलर के छोटे छोटे पार्टिकल्स हवा में उड़ते हैं, और जनरली ये इंडस्ट्री में जो चिमनीज हैं ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर जो चिमनी लगी रहती है वहाँ से ये फ्लाई ऐश निकलता है, हवा में उड़ता है, और ये पार्टिकुलेट मटीरियल, इट रिमेन सस्पेंडेड इन एयर, फ्लाई ऐश। सेकेंड इज़ फॉस्फो जिप्सम, फॉस्फो जिप्सम भी एक बाय प्रोडक्ट है, जहाँ पे भी स्मेल्टिंग का काम होता है तो वहाँ आपको, सॉरी, आयरन एंड स्टील स्लैग्स क्या हैं, ये स्मेल्टिंग का बाय प्रोडक्ट है, जब भी आयरन एंड स्टील का स्मेल्टिंग हो रहा है आप उसको मेल्ट करके आयरन ओर में से आयरन एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उस टाइम जो उसका लास्ट में बचा हुआ बाय प्रोडक्ट है जिसमें ज़्यादातर ग्लास के कंपोनेंट्स रहते हैं वो बच जाता है, तो वो हमारा बाय प्रोडक्ट है इसका। मगर अगेन उसको जब हम कंसिडर करते हैं तो विल फाइंड कि ये हमारे ये एक वेस्ट जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है, बाय प्रोडक्ट है, वो सॉलिड वेस्ट पोल्यूशन का एक कारण बन जाता है। और तीसरी चीज़ है फॉस्फो जिप्सम, फॉस्फो जिप्सम के बारे में है कि जब फॉस्फोरिक एसिड का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो फॉस्फोरिक एसिड बनाते समय फॉस्फो जिप्सम नाम का ये बाय प्रोडक्ट निकलता है। चलिए इन तीनों चीज़ों को एक बार हम देखते हैं। नेट रिमेंस वेरी स्लो एट माई प्लेस, हाँ ओके। स्लैग इज अ ग्लास लाइक बाई प्रोडक्ट लेफ्ट ओवर आफ्टर डिजायर्ड मेटल हैज़ बिन सेपरेटेड, तो जब भी मेटल का स्मेल्टिंग करके उसको मेल्ट करके निकाला जाता है तो उसके बाद स्लैग्स बचते हैं, जनरली ग्लास का प्रोडक्ट है। इसको हम पॉल्यूटेंट की तरह देखते हैं, बट कई कंट्रीज क्या करती हैं कि इस स्लैग को सीमेंट के साथ यूज़ कर लेती हैं, रोड मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ कर लेती हैं, तो नाउ वी नीड टू आल्सो लुक फॉर द वेज वेयर वी कैन यूटिलाइज दीज बाय प्रोडक्ट्स या एफ्लुएंट्स हैं, उनको किस दूसरी तरीके से कैसे यूज़ किया जा सकता है कि वो पोल्यूशन को कम करें, राइट। फ्लाई ऐश के बारे में है कि वो चिमनी से निकलती हैं, ठीक। तो जब भी कोल को बर्न करेंगे तो उसमें वाइट कलर के हवा में उड़ते हुए आपको ऐश दिखेगा, और ये पार्टिकुलेट मटेरियल रहता है। चलिए लेट्स गेट बैक टू टेक्स्ट बुक।
नो, इट से समथिंग अबाउट थर्मल पोल्यूशन। यहाँ पे हैं हम लोग अभी। थर्मल पोल्यूशन, थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स व्हेन हॉट वाटर फ्रॉम फैक्ट्रीज एंड थर्मल पावर प्लांट्स ड्रेन इनटू रिवर पॉन्ड्स बिफोर कूलिंग। तो क्या होगा कि जब भी थर्मल पोल्यूशन तब होगा जब इंडस्ट्री से निकला हुआ गर्म या खौलता हुआ पानी फैक्ट्री से या थर्मल पावर प्लांट से सीधा वाटर बॉडीज या रिवर्स में डिस्चार्ज किया कर दिया जाए बिना ठंडा किए हुए। तो इसका डायरेक्ट इफेक्ट उस वाटर बॉडी में जिसमें हम डिस्चार्ज कर रहे हैं उसके एक्वाटिक लाइफ पे पड़ेगा। मतलब उसके अंदर जितने मछलियाँ या एक्वाटिक लाइफ है अंदर पानी के अंदर जीव जंतु, उन पे डायरेक्ट इफेक्ट पड़ेगा इसका। आइडियली होना ये चाहिए कि जो भी इंडस्ट्रीज में, अगर ये मेरी इंडस्ट्री है ठीक, यहाँ से हॉट वाटर मुझे डिस्चार्ज करना है, तो होना क्या चाहिए कि इससे मुझे कूल डाउन करना चाहिए। या तो मैं कहीं इसको एक्यूमलेट करूँ, एक्यूमलेट करके ये जब कूल डाउन हो जाए फिर इसको आउटलेट करूँ, या इसका दूसरा ठंडा करने का तरीका ये हो सकता है। आप लोगों ने कभी देखा है घर पे कभी कभी मम्मी गर्म दूध देती हो, तो इफ़ यू से कि इट्स टू हॉट, तो व्हाट दे डू इज 2 ग्लासेस में एक बार इसमें से इसमें, एक बार से इसमें से इसमें, तो दे कीप ट्रांसफरिंग जगलिंग दिस एंटायर मिल्क, हॉट मिल्क, तो वो जल्दी ठंडा हो जाता है। तो होता क्या है कि इसका जो मेटालिक कवर है हीट इसमें डिसिपेट होगा, फिर एक बार हीट इसमें जाएगा और एयर के एक्शन से ये दूध जल्दी ठंडा हो जाएगा। सिमिलरली अगर मेरी इंडस्ट्री से निकला हुआ हॉट वाटर उसको मैं आई मेक इट टू पास थ्रू सीरीज ऑफ पाइपलाइंस, ऐसे बहुत लंबे, यूजुअली क्या कर सकते थे, डायरेक्टली इसको वाटर बॉडी में डिस्चार्ज कर देते। यहाँ अगर हम वाटर बॉडी में डायरेक्ट डिस्चार्ज कर दें तो ये सीधा हॉट वाटर एक वाटर बॉडी में जाएगा, चाहे रिवर में, पॉन्ड में, और वहाँ का एम्बिएंट टेम्परेचर बढ़ा देगा पानी का, तो वो डायरेक्टली इफेक्ट करेगा वहाँ के एक्वाटिक लाइफ को। मगर मैं क्या कर रहा हूँ कि मेरा यहाँ से ये इंडस्ट्रियल वेस्ट निकला उसको मैं पास करूँ सीरीज ऑफ पाइपलाइन से ऐसे जाए ठीक, इन पाइपलाइंस के थ्रू रूट करके घुमाते 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 उसको फिर ले जाके वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करूँ। तो इससे होगा क्या कि इस पूरी जर्नी में ये जो हॉट वाटर है दैट विल कंटिन्यू टू ट्रांसफ़र हीट टू द पाइपलाइंस ठीक, और इसमें जो टाइम लैग है इस ड्यूरेशन में वो कूल डाउन हो जाएगा, एक कूलेंट की तरह काम करेगा ये स्ट्रक्चर हमारा, और उसके बाद इफ़ यू लेट आउट तो थर्मल पोल्यूशन से बचा जा सकता है ठीक। तो ये तो बात होगी थर्मल पोल्यूशन की। मगर जो भी इंडस्ट्रियल वेस्ट हमारा थर्मल पावर प्लांट से निकल रहा है, फैक्ट्री से निकल रहा है, वो सिर्फ गर्म पानी नहीं है, उसके साथ बाकी केमिकल्स एफ्लुएंट्स एडेड हैं, तो ज़रूरत पड़ेगी उनको ट्रीट करने के लिए। एक ट्रीटमेंट प्लांट हो जहाँ हमें पता है कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए मर्करी सही नहीं है, तो उसमें से मर्करी को सेग्रीगेट कर लिया जाए, एंड वी आर टेक्निकली वेरी साउंड इन डूइंग दैट। बट यही है कि ये सब काम करने के लिए एडिशनल कॉस्ट लगता है जो अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को एनहेंस कर देगा। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉजेस कैंसर, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस। तो जो भी हमारे न्यूक्लियर पावर प्लांट से या न्यूक्लियर वेपन बनाने की जो हमारी फैसिलिटीज़ हैं, इस्टेब्लिशमेंट्स हैं जो न्यूक्लियर वेपन्स बना रहे हैं, तो वहाँ से निकला हुआ जो भी वेस्ट है वो कहीं ना कहीं रेडियो एक्टिव होता है। जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स में उनमें अल्फा बीटा गामा तीनों पार्टिकल होते हैं और ये अपने अपने रेडिएशन्स एमिट करते हैं। तो इसमें से जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स वेस्ट में निकलेगा और दैट विल कंटिन्यू टू रेडिएट, न्यूक्लियर रेडिएशंस छोड़ेगा, और न्यूक्लियर रेडिएशंस का ये है कि
दे डायरेक्टली कॉज कैंसर, बर्थ डिफेक्ट, मिस कैरेजेस। अगर आपको याद हो कि हिरोशिमा नागासाकी में यूएस ने न्यूक्लियर वेपन ड्रॉप किया था, तो पूरा का पूरा शहर का शहर, यह बोला जाए जापान का मैक्सिमम पार्ट वाइप ऑफ हो गया, और उसका इफेक्ट वहाँ के पॉपुलेशन पे कई सालों तक रहा। मीन्स जो लोग डायरेक्टली इफेक्ट हुए न्यूक्लियर अटैक से, जो यूएस ने बॉम्ब ड्रॉप किया हिरोशिमा नागासाकी में, जो लोग डायरेक्टली उसके कांटेक्ट में आए, तो वो तो हाई हीट एक्सप्लोजन की वजह से उनको इफेक्ट हुआ है, मगर उनके आने वाली कई जनरेशन्स तक इसका फ़र्क पड़ा, बिकॉज उनके अंदर कहीं ना कहीं जेनेटिक म्यूटेशन हो के उनके जीन्स को इफेक्ट किया उसने। तो जब भी बच्चा कोई पैदा होता था, वो कोई ना कोई बर्थ डिफेक्ट के साथ पैदा होगा, या वुमेन वर नॉट एबल टू गिव बर्थ, है ना, मिसकैरेजेस हो रहे थे, और साथ में अलग अलग तरीके के कैंसर होंगे जहाँ पे भी ये चीज़ होगी। अपने थर्मल न्यूक्लियर पावर प्लांट से निकले हुए वेस्ट को अगर सही तरीके से डिस्पोज ना किया जाए तो। सॉयल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड, डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, पैकेजिंग सॉल्ट, गार्बेज रेंडर यू सॉयल यूजलेस। तो अब जब ये सॉयल एंड वाटर पोल्यूशन दोनों बहुत ही आपस में लिंक्ड हैं, जो भी हम डंप कर रहे हैं चीज़ें, हाँ, स्पेशली ग्लास, ग्लास जब हमने पढ़ा, ग्लास टाइप मटेरियल, स्लैग्स जो निकलते हैं स्टील के स्लैग्स वो, या फिर केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, गार्बेज, तो ये सारी चीज़ें आप या तो वाटर बॉडी में डिस्चार्ज करें या फिर लैंड एरिया में डंप कर दें, तो दोनों की दोनों चीज़ें हार्मफुल हैं। अगर आपने वाटर बॉडी में डिस्चार्ज किया तो डायरेक्टली वो वाटर को कंटामिनेट करेगा, अगर आपने ये सारी चीज़ें डंप कर दी हैं ले जाके लैंड मास के ऊपर, किसी सॉइल के ऊपर, लैंड के ऊपर, तो धीरे धीरे रेन वाटर के साथ, जैसे ही रेन आएगा तो रेन वाटर के साथ डिजॉल्व होके वो सॉइल को पेनिट्रेट करता हुआ ग्राउंड वाटर टेबल तक पहुंच जाएगा और ग्राउंड वाटर टेबल को कंटेमिनेट करेगा। तो दोनों तरीके से नुकसान है, चाहे आप उसे वाटर बॉडीज में डालिए या फिर लैंड के ऊपर डंप कर दीजिए, डिस्चार्ज कर दीजिए, इन बोथ द कंडीशंस द वाटर गेट्स कंटेमिनेटेड। चलिए, नेक्स्ट इज नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन एक ऐसी चीज़ है जिसको इंडिया में बहुत ही कम तवज्जो दी जाती है, इस पर हमारा एम्फेसिस बहुत कम होता है। नॉइज़ पोल्यूशन का मैंने बहुत क्लोजली मॉनिटर किया है नॉइज़ पोल्यूशन को, व्हेन इन नेवी आई वाज अ हेलीकॉप्टर टेक्नीशियन। तो जैसे ही एयरक्राफ्ट का फर्स्ट इंजन ऑन करते थे हम लोग, हाँ, तो देर यूज टू बी अ वेरी श्रिलिंग साउंड, चिंग करके इंजन अपना रोटेशन स्टार्ट करता था, और एज द इंजन यूज टू पिकअप द आरपीएम, उसका साउंड इतना श्रिलिंग एंड शार्प होता था कि कान फट जाते थे। तो ऑब्वियसली वी यूज ईयर डिफेंडर्स, ईयर डिफेंडर्स नाम की चीज़ें आती हैं जिसको कान पे लगा लो तो आवाज़ को मिनिमाइज कर देता है। तो और जैसे ही इंजन स्टार्ट होने के बाद हेलीकॉप्टर के रोटर्स, मतलब ब्लेड्स, जैसे ही रोटेट करना शुरू करते हैं, तब तो नॉइस लेवल इज़ टू इट्स पीक। और सबसे बड़ी बात है कि आपको काम करना है उस कंडीशन में भी, है ना, इतना ज़्यादा साउंड है तो यू कैन नॉट से नो आई विल नॉट वर्क, आई विल नॉट लेट द एयरक्राफ्ट फ्लाई, बिकॉज एयरक्राफ्ट तो उड़ना ही है, वो भले साउंड प्रोड्यूस करे। सिमिलरली इंडस्ट्रीज में भी ये नॉइस पोल्यूशन रहेगा, और भी कई सारी इंडस्ट्रीज हैं जहाँ आप प्रोडक्शन का काम हो रहा है, तो सिर्फ नॉइस की वजह से वी कैन नॉट स्टॉप प्रोडक्शन। व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन यूज़ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स, जैसे ईयर डिफेंडर, ईयर मफ्स हो गए, ईयर प्लग्स हो गए, उनको हम कान में डाल लें तो प्रोटेक्शन हो सकता है, मगर ओवरऑल वी कैन नॉट मिनिमाइज इट, ठीक। और इंडिया में हम लोग इस चीज़ पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते। इसका डायरेक्ट इफेक्ट ये है कि प्रोलॉन्ग पीरियड तक अगर आप एक्सपोज्ड हैं
नॉइस पोल्यूशन में या हाई अनडिजायर्ड साउंड के बीच में, तो धीरे धीरे इट विल लीड टू हियरिंग लॉस। थोड़ा थोड़ा तो मेरे को भी सुनाई देना कम हो गया है इन दीज 15 ईयर्स। समवॉट माई एबिलिटी टू लिसन हैज स्लाइटली डिक्रीज, बिकॉज वेन आई वॉज अ यंगस्टर माई सीनियर यूज टू से कि वेन एवर यू आर अप्रोचिंग एयरक्राफ्ट गो विद ईयर डिफेंडर्स, और हम लोग उनकी बात मानते नहीं थे, यंग जनरेशन थे तो ऐसे ही चले जाते थे बिना कान में ईयर डिफेंडर लगाए। आधे आधे घंटे इंजन रन कर रहा है उसी में हम रिपेयर का काम कर रहे हैं, तो उसका इफेक्ट बाद में पता चलता है कि धीरे धीरे आपके सुनने की जो क्षमता है, योर हियरिंग एबिलिटी स्टार्ट डिक्लाइनिंग। चलिए, ये तो मेरा एग्जाम्पल हो गया जो मैंने फेस किया। लेट्स सी व्हाट टेक्स्ट बुक हैज़ टू से। नॉइस पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर, इट आल्सो कॉजेस हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर अमंग द फिजियोलॉजिकल इफेक्ट्स। तो जो नॉइस पोल्यूशन है या हाई साउंड से, साउंड को मेजर किया जाता है डेसिबल्स में, तो ऐसा माना जाता है 50 डेसिबल से कम इज ओके, और उसके ऊपर है तो दैट कॉजेज इरिटेशन। तो साउंड का जो नॉइस पोल्यूशन है वो सिर्फ इरिटेशन या एंगर इंसान में जो फर्स्ट सिम्टम हमें दिखता है, कभी भी आप हाई नॉइस में एक्सपोज्ड हैं तो फर्स्ट थिंग जो आपके अंदर दिखाई देगा वो होगा इरिटेशन एंड एंगर, गुस्सा आएगा, आप चिड़चिड़े हो जाएंगे इस कंटिन्यूस साउंड से। मगर उसका फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है, व्हाई इट इज़ हैपनिंग, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका हार्ट का जो रेट है, द रेट एट विच हार्ट पंप्स ब्लड, वो बढ़ जाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, इसकी वजह से ये इरिटेशन एंड एंगर रहता है हमारे अंदर। और क्योंकि आप बहुत लंबे समय तक अगर एक्सपोज्ड हैं नॉइस पोल्यूशन से, तो धीरे धीरे योर एबिलिटी टू हियर विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, तो ये सारी चीज़ें होंगी आपके साथ। अनवांटेड साउंड इज़ एन इरिटेंट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। जो भी साउंड, अगर आप देखें, म्यूजिक इज़ ऑल्सो अ साउंड राइट, बट इट इज़ प्लीसेंट एंड डिज़ायर्ड। जो हम गीत संगीत सुनते हैं या कुछ लोग इंस्ट्रूमेंट्स बजाते होंगे, तो वो भी एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, कई बार हाई डेसिबल्स का साउंड होता है, मगर वी कैन नॉट कॉल इट नॉइस पोल्यूशन। क्यों? क्योंकि वो अनडिजायर्ड साउंड नहीं है, दैट इज़ अ डिजायर्ड साउंड एंड दैट यूजुअली डज नॉट क्रिएट इरिटेशन, ठीक है, या स्ट्रेस नहीं बढ़ाता, इनफैक्ट म्यूजिक स्ट्रेस कम करता है। तो जब भी कोई ऐसा साउंड है जो अनडिजायर्ड है, ठीक, अनवांटेड साउंड है जो आपके अंदर स्ट्रेस या इरिटेशन प्रोड्यूस कर रहा है, तो दैट इज़ कॉज ऑफ कंसर्न। इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, जनरेटर्स, सॉ, न्यूमैटिक, इलेक्ट्रिक ड्रिल्स आर ऑल्सो मेक लॉट ऑफ नॉइस। तो जहाँ पे भी इंडस्ट्रीज़ होंगी, इंडस्ट्रीज़ में मशीन हैं, जनरेटर्स हैं, मोटर्स हैं, रोटेट कर रहे हैं, ठीक, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी में देखा ही होगा आपने कि सीमेंट मिक्सिंग मशीन है, कुछ लोग हथौड़े से मार रहे हैं, तोड़ रहे हैं, इस तरह का जो अनवांटेड साउंड प्रोड्यूस होगा। फैक्ट्रीज में जनरेटर्स चलते हैं, कटिंग मशीन्स में सॉ चलता है, वो काटने की आरी बड़ी बड़ी, ठीक, तो ये सारी चीज़ें जब भी मशीनरी काम करेगा तो अपने हिसाब से साउंड जनरेट करेगा। इसको मिनिमाइज़ करने का तरीका ये है कि पहला तो आप ईयर डिफेंडर्स यूज़ करें, सेल्फ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यूज़ करें, या दूसरा जिन ऐसे एनक्लोज कंपार्टमेंट में, सपोज़ मेरे पास एक जनरेटर है, ये मेरा जनरेटर है एंड दिस प्रोड्यूसेस भयंकर साउंड, तो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल पुट दिस जनरेटर इंटू अ साउंड प्रूफ केबिन, या एक ऐसे क्लोज कंपार्टमेंट में डालूं जिसका कवरिंग वुड का हो। नो, ये वुड की कैबिनेट में अगर इसमें डाला जाए इसको, तो ये साउंड के इफेक्ट को कम कर देगा। कभी भी आप देखना
या कभी मौका मिले आप लोगों को किसी रिकॉर्डिंग फैसिलिटी में जाने का जहाँ ऑडियो रिकॉर्ड किया जाता है, तो वो सारे के सारे साउंड प्रूफ केबिन्स होते हैं, तो उसमें बाहर के एम्बियंट साउंड का अंदर फ़र्क नहीं पड़ता, तो वहाँ मटेरियल दैट इज़ बीइंग यूज्ड हेल्प्स इट टू एब्जॉर्ब साउंड। ठीक, तो इस तरीके से साउंड पोल्यूशन को कम किया जा सकता है सेल्फ प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के साथ और बाकी प्रिवेंशंस के साथ। चलिए, विल पुट एन एंड टू टुडे सेशन। थैंक यू।